good morning students today i am going to explain chapter active and passive okay students it is my today's topic that i will explain in this video okay so you have to watch this video very carefully and understand this chapter by this video okay students सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्टिव पैसिव होते क्या हैं उसके लिए आपको जितने भी काइंड्स के टेंसेज जो होते हैं वो आपको आने चाहिए जैसे प्रजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर प्रजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट ये सारे टेंसेज आपको आने चाहिए तभी आप एक्टिव को पैसिव वर्ज में चेंज कर सकते हो और पैसिव को एक्टिव वर्ज में चेंज कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो तो उसके लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है ओके okay, स्टूडेंट तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्टिव पैसे का होते क्या हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं ठीक है जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा मैं साइकिल चलाता हूँ ठीक है मैं साइकिल चलाता हूँ मैंने ये सेंटेंस बोला अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दूँ तो, तो भी सेंटेंस तो वही रहेगा लेकिन उसको बोलने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा तो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज करके बोलूँगी साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है या फिर साइकिल मेरे द्वारा चलाई गई तो सेंटेंस तो वही रहा कि मैं साइकिल चलाता हूँ या फिर साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है तो वही सेंटेंस रहा बस उसको बोलने का तरीका चेंज हो गया तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं एक्टिव और पैसिव बोलते हैं ठीक है ये तो हमारा एक्टिव हो गया और इसको बोल दूं मैं साइकिल मेरे द्वारा चलाई गई तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है मानव टीचिस अंश मानव अंश को पढ़ाता है ठीक है लेकिन अंश इज टॉच बाय मानव अंश मानव के द्वारा पढ़ाया गया ठीक है या फिर अंश मानव के द्वारा पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर यहाँ देखिए मानव तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट था इसका वैसे सब, आ, जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ये होता है स्ट्रक्चर अब इसी तरीके से हमारा ये सेंटेंस है तो हम इसको क्या करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस में क्या है ये तो है, और ये क्या है? वर्व और ये क्या है ऑब्जेक्ट ठीक है ध्यान देना अब हमें क्या करना होता है जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं ऑब्जेक्ट क्या था हमारा अंश था उसके बाद जो हमारी हमने वर्ब यूज़ किया उस वर्ब को हमेशा हम जितने भी पैसिव वर्ड्स में हम सेंटेंस चेंज करते हैं उन सभी में हमारी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है ठीक है और कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो आपको जाननी होंगी मैं चैप्टर में आगे बताऊंगी ठीक है यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है और उसके बाद हमने जो हमारा सब्जेक्ट था उसको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया है तो जो ये तो मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये तो हो गया एक्टिव का ठीक है स्ट्रक्चर और अब मैं passive का बताती हूं तो वो है जो ये जो ये था इसको पहले लगा देते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इसी को कर रहे हैं हम वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो जो हमारा पहला वाला सेंटेंस था उसका तो ये था और दूसरे वाले का ये यानी कि उसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये बन गया ऑब्जेक्ट को हमें पहले रखना है उसके बाद वर्ब को रखना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट था हमारा उसको लास्ट में रख देना है ये हमारे होते हैं एक्टिव और पैसिव ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं थैंक यू